नमस्कार, जेटीएन न्यूज इंडिया पे आपका स्वागत है। हम लॉकडाउन पीरियड को लेकर के और लॉकडाउन पीरियड के दौरान स्कूल फीस को लेकर के हम लोग लगातार वीडियोस बना रहे हैं, लगातार न्यूज बना रहे हैं। ऐसे में एक और डेवलपमेंट आया है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली में एक स्कूल है, लखपत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल। वहां के प्रेसिडेंट है अंकित भाटी। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है अपने जो उनके स्कूल के में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके गार्जियन को लेकर के, फीस माफी को लेकर के। बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने चिट्ठियां जारी की हैं, लेकिन ये वीडियो मैसेज पहले आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित भाटी, प्रेसिडेंट चौधरी लखपत सिंह मेमोरियल स्कूल ग्रेटर नोएडा। प्रिय अभिभावक, मैं आप सबको सूचना देना चाहता हूँ कि इस आपदा के समय हम सभी इंसानों को एक दूसरे की मदद भी करनी होगी, जिससे आसानी से हम सब इस बीमारी से लड़ सकें। इसी क्रम में हमारा विद्यालय अपने सभी विद्यार्थियों का 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर रहा है। अप्रैल, मई और जून की आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी, तथा आपको किताबों में हमारा विद्यालय 30% अगर कोई बुक लेना चाहता है 30% हमारे विद्यालय की तरफ से किताबों में भी सहायता दी जाएगी। इसी के साथ आप सबकी सेहत की प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद। आपने सुना ये मैसेज। संभवतः ये देश में पहली बार हुआ है जब कोई स्कूल का प्रिंसिपल या प्रेसिडेंट वीडियो मैसेज जारी करके फीस माफी को लेकर के या किताबों में डिस्काउंट को लेकर के सीधे बात कर रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ खुद मौजूद हैं अंकित भाटी, जो कि प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है अपने स्कूल का। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। हेलो। जी बोलिए। हेलो अंकित भाटी जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? मैं जेटीएन न्यूज इंडिया के स्टूडियो से विजय कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हेलो। जी बोलिए विजय कुमार जी। हाँ, ऐसा है कि एक अंकित जी, आपकी एक चिट्ठी इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पे, वो हम लोग देख रहे हैं कि लखपत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल का लेटर पैड पे आपने जो चिट्ठी दिया है पेरेंट्स को, ये अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने का जो फीस है वो आपने माफ कर दिया। जी बिल्कुल। एक बड़ा इनिशिएटिव हम लोग इसको मान रहे हैं, प्लस जो किताबें जो नए सीजन में बेची जा रही हैं उसमें आपने 30% का डिस्काउंट दिया है। क्या कुछ चला था आपके दिमाग में? अच्छा रिलैक्स दिया है अपने पेरेंट्स को? भाटी जी क्या कहना चाहेंगे आप? असल में सर इस टाइम परेशानी बहुत है लोगों के सामने, जेन्युइनली लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हम किस मुंह से उनसे पैसा मांगे, किस मुंह से उनसे फीस मांगे। लोग अपना खाने पीने की चीजें पूरी कर रहे हैं, वही बहुत है। और फिर बुक्स के लिए मैंने इसलिए करा था क्योंकि बुक्स आगे, क्योंकि अभी कई महीनों तक फाइनेंशियली कंडीशन लोगों की ठीक होने वाली है नहीं। अच्छा, तो इस वजह से मैंने बुक्स के लिए भी ये सोचकर बुक्स में भी 30% मैंने कंसेशन करा है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो चैनल की तरफ से आपको मैं बधाई भी दे रहा हूँ इसको लेकर के कि लॉकडाउन पीरियड के कारण, COVID-19 के कारण पूरा देश है, आपने एक इनिशिएटिव लिया है। और जी आपका भी थैंक यू सर कि आप इस बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप जैसे महान लोग हैं जो इस चीज को फायदा मिले, शायद लोगों को अच्छे और आगे। सर ऑल ओवर स्टेट से मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है आपका। और बहुत सारे स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टेट्स में, वेरियस स्टेट्स के, उन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्कूलों को लेकर के स्कूल में वो फीस मिले 3 महीने का। लेकिन बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं, बड़े पब्लिक स्कूल हैं जो कि आनाकानी कर रहे हैं। सर ऐसा है पब्लिक स्कूलों का, भाई साहब पहले बड़े पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल से आप सीधे क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस कार्यक्रम को अभी देख रहे होंगे? मैं उन प्रिंसिपल से ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक स्कूल, खासकर जो बड़े स्कूल हैं, कि पब्लिक इस समय परेशान है, उनकी मजबूरी समझिए। स्कूल को पब्लिक ने ही बनाया है, जो स्कूल एक कमरे से शुरू हुआ आज उसकी 200-300 ब्रांचेज हैं, वो पब्लिक और टीचर्स सबकी मेहनत से और सबके सपोर्ट से बना है। तो इस परेशानी के समय क्यों ना हम उनकी हेल्प कर सकते, थोड़ा सा पैसा रिलीज करना है, अपने टीचर्स को पेमेंट दी तो देनी है हमें। हमने अपने टीचर्स को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दिया, देने की बात करी, हमने टीचर्स को भी एग्री कराया, टीचर्स हमारे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देने को तैयार, लेकिन पेमेंट हम काट नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी हमसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले रहे हैं और उसमें एग्री है वो भी।
हमने सबको एक साथ लेकर इस डिसीजन को लिया है। वाड़ी साहब, एक और सवाल हम आपसे अभी उठाना चाह रहे थे कि जो बुक्स आप जो आपके स्कूल के द्वारा जो दी जा रही है, पब्लिशर्स का जो बुक है जो आप अपने कैरिकुलम में चलाते हैं, जो आप दे रहे हैं 30% का डिस्काउंट आप दे रहे हैं, परसेप्शन है लोगों का पब्लिक स्कूल को लेकर के? भाटी साहब, मैं सीधा सवाल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप जरा सच सच बता दीजिए कि पब्लिशर्स और जो स्कूल के प्रिंसिपल्स या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं, क्या कोई नेक्सस है क्या कमीशन को लेकर के, ऐसा होता है क्या? नहीं देखो, ये अलग अलग चीजें चलती हैं। जो टोटल बुक्स पे एमआरपी होती है बिल्कुल, उस पर जैसे हमने छोड़ दिया 30% हमने छोड़ दिया, अच्छा, उस पे बुक सेलर कुछ अपनी तरफ से कंसेशन कर देता है एमआरपी अच्छा, के ऊपर अच्छा, अच्छा अच्छा, और एक एज अ सपोर्ट वो जरूर स्कूल को कहता है कि हाँ मैं आप सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से जो डोनेट करना चाहे वो करता है बुक सेलर। अच्छा, यानी कि जो पब्लिक के अंदर जो एक परसेप्शन है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है और पब्लिशर्स के बीच में साठ गांठ होता है, आप एग्री करते हैं क्या इस बात से? नहीं, साठ गांठ नहीं कह सकते, लेकिन वो स्कूल को सपोर्ट करता है क्योंकि उसको स्कूल वजह से काम मिलता है। अच्छा, तो साठ गांठ वो अपने आप स्कूल को सपोर्ट करता है, ऑफर करता है, तो मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कमीशन का मामला है भाटी साहब, ये स्कूल कमीशन ना कहें, इसको कहे कि एक जैसे स्कूल को थोड़ा उसने उसको उसको वैसे काम मिला। अच्छा, तो हाँ उसको सपोर्ट दिया बुक वाला देता है, जो सेलर देता है। चलिए, आप सीधे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को जो दर्शक अभी सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे चीजों को कि फैक्ट क्या है। अंकित भाटी साहब, आपने वक्त निकाला जेटीएन न्यूज इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे अंकित भाटी को, फोन लाइन पर वो जुड़े हुए थे। इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान तीन चीज है जो कि बहुत गौर करने वाली है। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी करके फीस माफी की बात कही है, देश के पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के लिए सीधा मैसेज है, साथ ही एक रिवील किया है उन्होंने कि कैसे जो बुक्स के जो पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं यहाँ पे भारत के अंदर जो पब्लिक स्कूल के साथ साठ गांठ करके कमीशन बेसिस पर किताबें सप्लाई करती है, उसको लेकर के भी आपने सुना एक संसदीय खेज खुलासा है। इस पूरे बातचीत के दौरान और पूरे कार्यक्रम के बाद एक बात तो समझ में आती है कि फीस माफी अगर एक स्कूल में हो सकता है, दो स्कूल में हो सकता है, तो देश के अंदर हो सकता है, राज्य के अंदर हो सकता है। सिर्फ जो मैनेजमेंट है उनको मन बनाने की जरूरत है। और दूसरी बात कि पब्लिक के मन में जो ये परसेप्शन है कि पब्लिशर्स और पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट के साथ साठगांठ है, ये इनडायरेक्टली अंकित भाटी भी स्वीकार करते हैं। जेटीएन न्यूज इंडिया पर इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।